नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिप्स। आइए जानते हैं दिन भर की देश, राज्य एवं दुनिया की 25 बड़ी खबरें। बिहार के कई जिलों में भी वैक्सीन खत्म, टीकाकरण केंद्रों से लौटाए गए लोग। बिहार में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना, नीतीश कुमार का लोगों के नाम पत्र। बिहार में 24 घंटे में 553 को अस्पताल से मिली छुट्टी, तो 1527 हो गए पॉजिटिव, फुल हो रहे बेड। जिन अधिकारियों ने 2016 के पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों के खर्च का नहीं भेजा ब्यौरा, अब उनकी खैर नहीं। भोजपुर में दो पड़ोसनों ने किशोरी का किया सौदा, घुमाने के बहाने अधेड़ से जबरन कराई शादी। मुख्तार अंसारी की सुपारी लेने वाला बिहार का लंबू, लड़की के लिए 12 साल की उम्र में किया था मर्डर, 3 बार जेल से भी भागा। जम्मू में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भीम बांध जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। भागलपुर में दिन दहाड़े रिटायर्ड जवान की गोली मारकर हत्या। पीएमसीएच में इलाज के दौरान लगातार सांस में आ रही थी समस्या, एक एक कर 3 लोगों की गई जान। एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की 2 छात्रा पॉजिटिव। भागलपुर में कंटेनमेंट जोन से परिवार सहित संक्रमित फरार, प्रशासन की अनदेखी से रातों रात भागे। बेउर जेल में छापेमारी, 2 मोबाइल बरामद, 20 कक्ष पालों का तबादला। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन की डेट 23 अप्रैल तक बढ़ी, अंतिम सूची का प्रकाशन 10 मई को। प्रधानमंत्री मोदी ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज, पंजाब की नर्स ने लगाया पीएम को टीका। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वे को स्थानीय अदालत से मंजूरी मिली, मस्जिद कमेटी ने कहा हाईकोर्ट जाएंगे। 100 करोड़ की वसूली कांड में उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीबीआई जांच रोकने की याचिका खारिज। राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर पीएम मोदी की चर्चा, बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा, अभी जम्मू में ही रहेंगे रोहिंग्या, सुप्रीम कोर्ट ने भेजने पर लगाई रोक। बिना मास्क पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र ने कहा वैक्सीन की कमी, केंद्र बोला अपनी नाकामी छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रहे। यूपी पंचायत चुनाव में मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या ने बीजेपी की तरफ से भरा पर्चा। यूपी के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 मजदूरों की मौत, 4 की हालत गंभीर, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। मुख्तार के बाद अब अतीक पर शिकंजा, देवरिया जेल कांड में चार्जशीट। एंटेलिया केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से लगातार दूसरे दिन एनआईए ने की पूछताछ, सचिन वझे के एक खाते में 1.5 करोड़ रुपए मिले। 11 से 28 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में भारतीयों की एंट्री पर बैन, सिंगापुर ने 8,000 वीजा पर लगाई रोक। श्रीलंका में आईएसआईएस अलकायदा समेत 11 इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध। यूरोप में फ्रांसीसी राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दागे परमाणु मिसाइलें, युद्ध की आशंका। इजरायली स्पेशल फोर्सेज ने ईरानी नौ सैनिक अड्डे पर मचाई तबाही, पूरा किया बदला। महिला ने 30 साल बाद 24 फीट 7 इंच लंबा नाखून काटा, सबसे लंबे नाखून का बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार टिप्स के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए बिहार टिप्स। नमस्कार।